हेलो फ्रेंड्स, सिर पर चोट लगना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार तो लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार सिर की लगी मामूली सी चोट भी आपके जीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाती है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि सिर में चोट लगने के 48 से 96 घंटे बाद ही चोटिल व्यक्ति के सिर की चोट में दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो आइए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं जो अगर सिर की चोट के बाद लगातार रहें तो आपको तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर की चोट से जुड़ी कुछ और जानकारियां चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करके हमारी और वीडियो को देखकर सर की चोट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। सिर की चोट के बाद इन समस्याओं में आपका डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसमें से कुछ समस्याएं इस तरह से हैं: अगर आपके लगातार सिर में दर्द रहता हो तब, अगर आपकी याददाश्त में कोई बदलाव आ रहा हो तब, बार बार उल्टी हो रही हो तो, अगर आपकी नींद सामान्य से ज्यादा हो तो ये भी अबनॉर्मल ही माना जाता है, अगर आप अपने शरीर के किसी हिस्से को अपनी मनमर्जी से हिला डुला ना पा रहे हो तब भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जिस इंसान के सर में चोट लगी हो उसकी आंखों के बीच वाले काले रंग के हिस्से के आकार में अगर लगातार बदलाव आ रहा हो तब भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। शरीर का आधा हिस्सा कमजोर महसूस हो रहा हो, शरीर का एकदम से अकड़ जाना कम समय के लिए या कुछ मिनटों के लिए, नाक या कान से खून या कुछ चिपचिपा सा पानी आना, आंखों के आसपास सूजन का आ जाना, जोर की आवाज या तेज रोशनी में अनकंफर्टेबल फील होना, खाने की चीजों के स्वाद की पहचान ना कर पाना और ठीक से ना सुन पाना, ठीक से बोल ना पाना, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाना, चोट की जगह कोई गड्ढा सा बन जाना या फिर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना, कन्फ्यूज़न का लगातार बने रहना, कानों में कुछ बजने जैसा महसूस होना, सिर में बहुत ही हल्का पनसा फील होना या फिर दोरों का पड़ना शुरू हो जाना। फ्रेंड, सिर की चोट के कुछ मामलों में देखा गया है कि कई बार कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता और इमरजेंसी जैसी हालात एकदम से पैदा हो जाते हैं, इसलिए सिर की चोट का इलाज चोट के प्रकार और उसकी गंभीरता पर आधारित होता है। इसलिए अगर कभी भी आपको सर में मामूली सी भी चोट लगे तो आपको उसकी जाँच जरूर करवा लेनी चाहिए। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको आने वाले समय में इस चोट का कोई दुष्परिणाम तो नहीं झेलना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।